हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर रूट 5 बाय 3 एंड माइनस ऑफ रूट 5 बाय 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए दो जीरो दिए हुए हैं गिवन पॉलिनोमियल के, तो ये दो रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर हम बोल सकते हैं x माइनस रूट 5/3 एक फैक्टर हो गया गिवन पॉलिनोमियल का, और दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस रूट 5/3। ठीक, तो अगर इन दोनों को हम एक साथ लिखें, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करें, तो दोनों वो भी फैक्टर हो जाएंगे गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो देखिए हम नोट डाउन करते हैं, सिंस टू जीरोज आर जीरोज आर अंडर रूट 5/3 एंड अंडर माइनस ऑफ अंडर रूट 5/3। ठीक है, सो एक्स माइनस अंडर रूट 5/3 ये एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर एक्स प्लस अंडर रूट 5/3, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी फैक्टर हो जाएगा गिवन पॉलिनोमियल का, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी हमारा फैक्टर हो गया गिवन पॉलिनोमियल का, इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल। अब देखिए, अब हमें क्या करनी है, बाकी जो बचे हुए रूट हैं, यहाँ डिग्री 4 है मीन्स 4 रूट होंगे, तो दो रूट तो हमें पता चल गया दिया हुआ है जो, और दो रूट हमें फिर से फाइंड करनी है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा फैक्टर आया उसे डिवाइड कर देंगे हम गिवन पॉलिनोमियल को। नाउ वी डिवाइड गिवन पॉलिनोमियल डिवाइड गिवन पॉलिनोमियल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो जो भी क्वेश्चन आ जाएगा वो भी एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब देखें, अब जब डिवीजन प्रोसेस हम कैरी आउट करते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा डिविडेंड है और जो डिवाइजर है उसकी जो जो हम लिखते हैं उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब कि उसकी डिग्री जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमारा डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में है, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और डिवाइजर भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिवाइजर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। चलिए पहले हम डिविडेंड नोट डाउन कर लेते हैं, 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और डिवाइजर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म जो आएगा वो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें क्या करते हैं कि हम जो डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको डिवाइड करते हैं डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म से। तो यहाँ पर हमारा 3x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन का पहला टर्म हमारा 3x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो 3x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को हम x स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिख देते हैं। चलिए 5x स्क्वायर, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस और ये प्लस, और ये कैंसल आउट हो गई 3x टू द पावर 4। अब रिमाइंडर जो हमारी है 6x क्यूब
प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब यहां देखिए जो हमारी रिमाइंडर है उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से ज्यादा है, तो हम फिर से डिवाइड करेंगे। चलिए जब एक बार फिर से हम डिवाइड करते हैं तो सेकेंड टर्म ऑफ क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, सेकेंड टर्म ऑफ क्वेश्चन ये हमारी हो जाएगी, देखिए 6x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो 6x, ठीक है, तो 6x से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ सेकेंड टर्म ऊपर में नोट डाउन करते हैं 6x, और तो ये हुई 6x क्यूब माइनस 10x, ठीक है। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस हो गई, ये माइनस हो गई, 6x क्यूब भी कैंसिल आउट हो गई और 10x भी कैंसिल आउट। अब हमारी रिमाइंडर जो बच गई 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री 2 है और डिवाइजर की भी डिग्री 2 है, तो एक बार फिर से डिवाइड करेंगे। चलिए सेम है तो थर्ड टर्म ऑफ क्वेश्चन क्या आ जाएगी हमारी, थर्ड टर्म ऑफ क्वेश्चन ये हो गई आपकी 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो 3, तो यहाँ 3 हम नोट डाउन करते हैं ऊपर में 3, ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगी और ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, हमारी रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 है मींस कि जो क्वेश्चन है हमारा वो अनदर फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। सो अनदर फैक्टर है तो आप कैसे लिख सकते हैं, आपका गिवन पॉलिनोमियल जो है 3x फोर, 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकेंड फैक्टर, तो x स्क्वायर माइनस 5 बाय 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि अगर रूट फाइंड करना है तो सेकेंड फैक्टर जो है उसे हम 0 से इक्वेट करेंगे। नाउ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगी तो रूट हमें मिल जाएगी। चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, पहले 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये हमारी आ गई 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहां देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 कब 0 हो जाएगी, जब x इक्वल टू माइनस 1 होगी, और यहां पर हमारे जो जीरोज हैं रिपीटेड आ रहे हैं, x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, दो बार आ जाएंगे। सो इट्स अदर जीरोज आर, अदर जीरोज आर रिपीटेड हैं, तो हम दो बार इसे नोट डाउन कर लेंगे, माइनस 1 एंड माइनस 1। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।